मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। पीटीआई भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तेफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का ज़रिया न बने बल्कि वाकई इस्लाहात का ज़रिया बने। क्या मतलब आपका मसौदा हुकूमत का ही होगा? तो ज़ाहिर है हम तो हुकूमत का ही, हमें तो हुकूमत के हाथ से मिलता है तो हम हुकूमत का ही कहे। अगर आपको कोई और मालूम हो तो बता दें। भाई हमारे पास तो हुकूमत की तरफ से आता है तो हम तो हुकूमत का ही क्या समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुसौदात हुए और उसी को देख कर तो हमने मुस्तरद कर दिया कि ये काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें मिलिट्री के हवाले से क्या था जो आपने फरमाया? हजरत जो बुनियादी हकूक आप देते हैं कौम को, आम आदमी को, उसमें कुछ इस्तिस्नायात हैं जिसमें मिलिट्री के हवाले से हैं बहुत मुख्तसर से, तो उस छोटे से इस्तिस्ना को वसत दी गई और जो बुनियादी हकूक का दायरा है उसे तंग कर लिया गया। और इसके आगे कोर्ट के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ लाना कि कोर्ट के निज़ाम को ख़राब करने का बायस तो बन रही थी लेकिन उसमें इस्लाह का सबब नहीं बन रहा था जी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ख़ुद मुख्तार रहे।